छोटा सा फॉर्मूला है जो कि है वी लुकअप का। वी लुकअप पहले भी मैंने सिखाया है, इस वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है और यहाँ पर उनकी सेल लिखी हुई है। तो वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, तो यहाँ पे लगाता हूं इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है फॉर्मूला एक्सेल में, और यहाँ पे लगा दिया वी लुकअप। ठीक है, तो अब तो ये एक्सेल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए हमें पता करना है राम की सेल, वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रेंज जब बहुत बड़ी हो जाती है तो ये काफी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर मैं राम को सेलेक्ट करता हूँ, इसका सेल एड्रेस आ गया है, कॉमा देंगे और यहाँ पर ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर जाएंगे, F4 दबा के फिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉलर्स लग गए हैं, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमको पता करना है सेल, तो सेल में ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, यानी सेल वाला कॉलम क्या है, दूसरे नंबर का, कॉमा देंगे और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे करके बंद करके एंटर करेंगे। ये देखिए ये आ गया सेल, ये किनका सेल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये राम का सेल है। ठीक है, तो राम की सेलिंग कितनी है यहाँ पे देखिए, ये 6174 रुपए, तो वही हमें यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज करता हूँ, जैसे A2 के बजाय A3 कर देता हूँ, तो यहाँ श्याम का आ जाएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए ये श्याम का आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं चेंज करता हूँ लाइक यहाँ पे A5 कर देते हैं, A5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए A5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं नीतू का A5 है, तो यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, और अगर फिर मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक फिर देखिए यहाँ पे A5 है, A6 कर देते हैं, तो A6 जैसे ही करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सचिन का यहाँ पे सेलिंग बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।